थैंक यू सो मच, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, कृपया करके बैठ जाइए। अगर आंध्र में होता तो बोलना पड़ता कुछ अंडी, यानी बैठ जाइए। क्या करूं, इतनी जगह काम करता हूं देश में, इतनी सारी भाषाएं थोड़ी 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 तो सीख गया हूं। सबसे पहले मैं कुछ और बात करूं, मैं गिरी साहब आपका बहुत आभारी हूं, आज आपने इस मंच की शोभा बढ़ाई और मुझे भी बहुत ज्यादा आनंद आया। और मैं पहले दूर बैठा हुआ था, फिर मैं बिल्कुल कुर्सी पास ला के बैठ गया और बहुत मजा आया मुझे आपको सुनने में। जब हम काम करते हैं हमें पता नहीं होता कि हमारे काम से न जाने कितने लोगों के जीवन में बदलाव होता है। ये मौका हमें ये व्यापार देता है, ये बिजनेस देता है, विस्तीज देता है। और देखिए, गिरी साहब ने एक एग्जांपल बताया कि गलती से इन्होंने ऑडिंग के साथ में फोटो खिंचा ली थी और लेना नहीं चाहते थे, लेकिन उसके बाद भी जबरदस्ती ऑडिंग इनको थमा दी गई। तो अब नीचे बहुत सारी ऑडर खड़ी हैं, बहुत सारी लग्जरी कार खड़ी हैं, तो मुझे कहने की जरूरत नहीं है, जाने से पहले एक फोटो खींच लीजिएगा, बस इतना कर लीजिएगा। और हो सके तो उसको अपने प्रोफाइल पिक पे लगा दीजिएगा या स्क्रीन सेवर पे लगा दीजिएगा, ताकि वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में ऑटोमेटिकली चली जाए। आप लोग जानते हैं, लेकिन फिर भी हर बार कई नए लोग आते हैं, तो उनके लिए बता देता हूं। हमारे दिमाग को दो भागों में विभाजित किया गया है, अवचेतन मन व चेतन मन। अवचेतन मन यानी सबकॉन्शियस माइंड, जो कि बहुत पावरफुल है, और चेतन मन यानी कि कॉन्शियस माइंड, जिसके अंदर पांच पावर आती है, पांच इंद्रियां आती है। वो है देखना एक, सुनना दो, सूंघना तीन, टेस्ट करना चार, और स्पर्श करना पांच। अगर आप गौर से देखें, इन पांच की जो पावर है वो बहुत लिमिटेड है। हम कितनी दूर तक देख सकते हैं? थोड़ी दूर तक देख सकते हैं। भगवान ने हमें चील की तरह दृष्टि नहीं दी कि हम कई किलोमीटर तक देख सकें। उसके बाद हम कहां तक सूंघ सकते हैं? कुछ ही दूर तक सूंघ सकते हैं, ठीक। ऐसे ही टेस्ट हम उसी चीज को कर सकते हैं जो जबान पर आए, जो जबान पर नहीं है। सामने चीज रखी है वो अच्छी है या नहीं है, ये देख करके हम नहीं बता सकते। यानी ये पांचों इंद्रियों की जो पावर है वो बहुत लिमिटेड है, लेकिन जो सबकॉन्शियस माइंड है उसकी पावर बहुत अनलिमिटेड होती है। एग्जाम्पल आप सभी ने अपने लाइफ में देखा होगा, मैं फिर भी याद दिला देता हूँ। कभी ना कभी आपकी लाइफ में ऐसा हुआ है, आप किसी को याद कर रहे हैं और वो व्यक्ति सामने से आपको टकर जाता है, या उसका कॉल आ जाता है, या उसके बारे में कोई आपको खबर आ जाती है। ऐसा कभी हुआ है? लोगों ने आपने एक्सपीरियंस किया है? बहुत बढ़िया। सो दिस इज पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। एग्जांपल नंबर टू, कभी रात को आपको सोते हुए काफी देर हो गई, से फॉर एग्जाम्पल 1 बज गया, आपको उठना है सुबह 5 बजे। आपने अलार्म भी लगाया और अलार्म से पहले अपने आप आपकी ऑटोमेटिकली सोता है, आंख खुल गई। एक्सपीरियंस कितने लोगों को हुआ लाइफ में? अगेन ऑलमोस्ट एवरीबॉडी। सो दिस इज पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस। एब्सोल्युटली, सबकॉन्शियस माइंड वो चीज है जिसके लिए डिस्टेंस मायने नहीं रखता, जिसके लिए कोई भी चीज मायने नहीं रखती। अगर उसमें वो चीज चली गई तो वो आपको मिलनी 100% तय है। सो ये काम जब जैसे इनसे अनजाने में हो गया, बहुत अच्छी बात है, आप जानबूझ करके कर लीजिएगा, क्योंकि ये फॉर्मूला सभी के लिए काम करता है। सबकॉन्शियस माइंड सभी का एक्टिवेट रहता है। दूसरी चीज, वेस्टीज किसको करना चाहिए? वेस्टीज उस व्यक्ति, क्यों किसको करना चाहिए बताऊंगा, और क्यों करना चाहिए फिर वो बताऊंगा। सबसे पहले वेस्टीज क्यों करना चाहिए? वेस्टीज उन लोगों को करना चाहिए जो फिलहाल अपने जीवन में ग्रोथ चाहते हैं, जो तरक्की चाहते हैं, राइट, उनको करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, जो अपनी इनकम में ग्रोथ चाहते हैं, जो अपने घर में बढ़ोतरी चाहते हैं, लग्जरी लाइफ में बढ़ोतरी चाहते हैं, कार के स्टेटस में बढ़ोतरी चाहते हैं, जिंदगी को बेहतर बनाना चाहते हैं, ग्रोथ चाहते हैं, उनको ये बिजनेस करना चाहिए। रीजन नंबर वन। रीजन नंबर टू, गिरी साहब ने आपको एक फोटो दिखाई थी जिसमें बीच में विवेक जी थे और बगल में राजू गुप्ता खड़े हुए थे, इधर रिजवान खान खड़े हुए थे। आज दुर्भाग्यवश वो दोनों लोग हमारे बीच में नहीं है। जब ये बता रहे थे तो इंडोनेशिया बाली की मुझे बात याद आ गई। उस समय वो बिटिया छोटी थी और वो स्ट्रिप पर उसको लेकर के आए थे, जब आपको याद होगा जी। और मैं, हम तीनों एक साथ बैठे हुए थे, तो उस बच्ची से मैंने बात करी। आज बहुत अच्छा लगता है कि मतलब पिता ना होने के बावजूद भी उस वो बच्ची आज आउट ऑफ इंडिया से MBBS कर पा रही है।
अगर उसके पिताजी ने इस बिजनेस को नहीं किया होता, रिजवान भाई ने अगर इस बिजनेस को नहीं किया होता, तो आज ये बिल्कुल भी संभव नहीं था। ये किसी भी ट्रेडिशनल सिस्टम में संभव नहीं है। सो आपका परिवार आपके जाने के बाद भी सेम लग्जरी को एंजॉय कर सके, या आप जाने के बाद भी अपनी जिम्मेदारियों को इस तरीके से पूरा करके जाएं कि जब तक आप हैं तब तक तो है ही हैं, और जब नहीं हो उसके बाद भी ग्रोथ रहे या हर चीज मेंटेन रहे, इसलिए इस बिजनेस को करना चाहिए। तीसरा कारण क्यों इस बिजनेस को करना चाहिए, क्योंकि जब आप इस बिजनेस में कामयाब होंगे, आप अकेले कामयाब हो ही नहीं सकते। अगर आपका चेक 1,00,000 रुपए होगा, तो आपकी टीम में जरूर कुछ लोग ऐसे होंगे जिनका चेक 20,000, 30,000 या 40,000 रुपए के ऊपर में पहुंचेगा। जब आपका चेक 5,00,000 रुपए का होगा, तो आपकी टीम में जरूर कुछ लोग ऐसे होंगे जिनका चेक जो है 1,50,000, 2,50,000, 3,00,000 रुपए को टच कर जाएगा। और जब आप 10,00,000 रुपए पे पहुंचेंगे, तो आपकी टीम में जरूर कुछ ऐसे लोग होंगे जिनका चेक 3,000, 4,000 या 5,00,000 रुपए के ऊपर पहुंच जाएगा। चौथा कारण क्यों इस बिजनेस को करना चाहिए, क्योंकि जब आप इस बिजनेस को अच्छे से करेंगे, इसके प्रोडक्ट आप बताएंगे, तो बहुत लोगों को आप हेल्थ बेनिफिट्स दे पाएंगे। सो इस वजह से आपको ये बिजनेस करना चाहिए। अभी नीलम जी ने बताया, 2 दिन पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर में, वुमेन्स डे के ऊपर में, पास में इंदिरा गांधी स्टेडियम है, 30,000 लोगों का प्रोग्राम करा। हमारे मिनिस्टर स्मृति ईरानी जी वहां पर मौजूद थी। सो हर एक देश के सामने, हर एक राज्य के सामने सबसे बड़ा सवाल होता है अपने लोगों को रोजगार देने का। ये दुनिया के सबसे सशक्त देश अमेरिका के सामने भी आज समस्या है, बल्कि आज जितने भी यूरोपियन कंट्रीज हैं ये सैचुरेट हो रहे हैं, एंड इंडिया इस समय वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी है। तो इस बिजनेस को क्यों करना चाहिए, क्योंकि इस बिजनेस में आपकी तरक्की छुपी है और बहुत लोगों की तरक्की छुपी है जिनको आज आप नहीं जानते, इस बिजनेस के जरिए मिलेंगे, एंड आप देखेंगे आपका कंट्रीब्यूशन उनकी लाइफ में होगा। तो अगर आप इस बिजनेस को अच्छे से करें, तो आप यहाँ तो डबल यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर बनेंगे ही बनेंगे, ऊपर जब इस दुनिया से जाएंगे उसके दरबार में, तो वहां भी आप डीयूसी भी बनेंगे। अभी बिजनेस करने के लिए चाहिए क्या, ये बिजनेस करने के लिए सबसे पहले चाहिए एक ड्रीम, राइट, कि क्या आप बनना चाहते हैं, क्या आप हासिल करना चाहते हैं। नाउ ड्रीम एक ऐसी चीज है जो हमारे समाज में कभी भी नहीं बताया जाता कि ड्रीम क्या है। हम स्कूल में जाते हैं, हम कॉलेजेस में जाते हैं, हम उच्च तालीम हासिल करते हैं, लेकिन कभी ऐसा कोई शिक्षा नहीं होती जो जिसमें एक पीरियड लगता हो, जिसका नाम हो ड्रीम, जिसका नाम हो विजन, जिसका नाम हो बड़ा सोचना। तो जैसे कि मिडिल क्लास आदमी कहता है कि मुझे तरक्की करनी है, मुझे यूनिवर्सिटीज लेनी है, तो ऐसा हो जाता है कि वो अकेला हो जाता है, 99% लोग एक तरफ हो जाते हैं, वो उसका मजाक उड़ाना शुरू कर देते हैं, है ना। तो ऐसा आपके साथ भी होगा, लेकिन आप गिव अप मत करना, राइट। इस प्लेटफॉर्म ने जब इतने सारे लोगों के ड्रीम सक्सेसफुल किए हैं, अभी आप मिले ना इन लोगों को, हमारा उद्देश्य ये नहीं है कि ये लोग आपको ये बताएं कि इन्होंने क्या किया, इनका उद्देश्य या हमारा उद्देश्य सिंपल है, आपको मैसेज देना जब ये कर सकते हैं, फिर आपने बहुत बार बोला मुझे हंसी भी आ रही थी, तो आप भी डेफिनेटली कर सकते हैं, लेकिन अपने ड्रीम्स के ऊपर मैं भरोसा रखिएगा। तो पहला, ये बिजनेस किसका, जिसके पास ड्रीम है। दूसरा, ये बिजनेस इजी नहीं है, क्योंकि लाइफ इटसेल्फ इजी नहीं है, है ना। इस बिजनेस में जब आप काम करने निकलेंगे, आपको सीखना पड़ेगा, कई चीजें सीखनी पड़ेंगी, प्रोडक्ट आप नहीं जानते, कैसे प्लान देना है, कैसे बात करनी है, कैसे फॉलोअप करना है, ये चीजें आपको नहीं पता, तो ये आपको सीखना होगा। अगर आपके पास ड्रीम है तो आप सीख सकते हैं। तीसरा, मेहनत करनी होगी। अगर आप घर पे बैठे रहेंगे तो ये बिजनेस आपको बैठे बैठे सक्सेसफुल नहीं करेगा, आपको मेहनत करनी है और लगातार करनी है। कभी कुछ लोगों को सफलता थोड़ी जल्दी मिल जाती है, कुछ लोगों को सफलता थोड़ी सी विलंब के बाद मिलती है, लेकिन मिलती जरूर है। जैसे अगर आप ट्रेन पे बैठे हो, कभी ट्रेन राइट टाइम पे पहुंचती है तो आप राइट टाइम पर पहुंचते हैं, कभी ट्रेन लेट हो जाती है तो आप लेट पहुंचते हैं, लेकिन आप मंजिल तक कौन पहुंचता है जो ट्रेन से उतरता नहीं है, जो उतर जाएगा वो कभी भी मंजिल तक नहीं पहुंच सकता। सो टेस्टिंग्स होंगी, अप एंड डाउन आएंगे, जैसे लाइफ में आते हैं, अदर बिजनेस में आते हैं, इसमें भी आएंगे। आपने गिव अप नहीं करना, आपने लगातार चलते रहना है, और आपकी पावर को बढ़ाने के लिए ही, जैसे आप सबके पास, हम सबके पास मोबाइल फोन है,
हम रोज रात को क्या करते हैं जी, उसको चार्ज करते हैं ताकि अगले दिन सुबह आप उसका पूर्ण इस्तेमाल कर सके। अगर आप चार्ज नहीं करेंगे उसकी बैटरी खत्म हो जाएगी, आप इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। हम मोबाइल चार्ज करते हैं, बाकी चीजें चार्ज करते हैं, लेकिन कई बार हम अपनी चार्जिंग करना भूल जाते हैं। तो जब आप महीने में यहाँ पर एक बार आते हैं तो आपकी महीने में एक बार चार्जिंग होती है और ये चार्जिंग 29 दिन चलती है। इसलिए मैंने लोकेश को कहा था कि तेरे पास महीने के 30 दिन नहीं है, तेरे पास 29 दिन है, एक दिन अपनी चार्जिंग के लिए जरूर रख। एंड एक चीज आपको और बताना चाहूंगा, जैसे मैंने कहा ये इजी बिजनेस नहीं है, टेस्टिंग टाइम आएंगे, आपको क्विट नहीं करना, आपको गिव अप नहीं करना। आज गिरी जी की स्टोरी से आपने सीखा, चेक ऊपर भी गया नीचे भी आया, राइट? ऑनेस्टी के ऊपर हम बिलीव करते हैं, ऑनेस्टी सारी चीज शेयर करते हैं, यानी कि सिर्फ गुलाब गुलाब दिखा दिए, भाई कांटे भी हैं। तो गुलाब के साथ कांटे कुदरत ने दिए हैं, लाइफ में भी ऐसा है, बिजनेस में भी ऐसा है। ऐसा टाइम आएगा, उस टाइम से आपको घबराना नहीं है, सीखना है, कंटिन्यूसली आगे बढ़ना है। एंड जब भी आपको कोई भी व्यक्ति बोले आप नहीं कर सकते, भगवान ने आपको दो कान दिए हैं, वहां पर दूसरे कान का उपयोग करना है, यहां से अंदर और यहां से बाहर। लेकिन जब आपके आपके मेंटर आपके अपलाइन बोले आप सक्सेसफुल हो सकते हैं, उसे जरूर पूर्ण रूप से ग्रहण कीजिएगा। So, ये बहुत ही शानदार सिस्टम है जिसने इतने लोगों की लाइफ को चेंज किया है, आपकी क्यों नहीं करेगा, राइट? आपकी भी करेगा, बशर्ते जो सिस्टम है उसको आप फॉलो करें। लगातार मेहनत कीजिए, लगातार सीखिए, खूब सारे प्लान दिखाइए, खूब सीखिए, खूब लर्न करिए और आगे लगातार बढ़ते जाइए। और आपके सीखने सिखाने के सिलसिले के लिए हम कुछ स्पेशल ऑर्गेनाइज करने जा रहे हैं, जिसके लिए मैं सतपाल जी को आमंत्रित करूंगा, वो आपको थोड़ा सा और डिटेल में बताऊंगा।